हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आवाज़ साफ़ करने के लिए कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं, इस वीडियो में जानिए। ऐसा माना जाता है कि बोलने से व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। कई बार देखा गया है कि किसी इंसान में ज्ञान की कमी है, लेकिन उसकी आवाज़ में इतनी मधुरता है जिससे वह दूसरों को भी अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इसलिए किसी अभिनेता, नेता, प्रवक्ता या फिर वक्ता के लिए ज़रूरी है कि सार्वजनिक रूप में जो भी वो बोले वो साफ और स्वच्छ तथा मधुर हो, ताकि दर्शकों या फिर जनता के कानों में पड़ने के बाद उन्हें अच्छा लगे। इसके अलावा सिंगिंग में भी आपके आवाज़ और गले के बहुत ही ज़्यादा मायने हैं। अगर आप सिंगर बनने की इच्छा रखते हैं या फिर आप सिंगर हैं, तो आपको कुछ टिप्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए जिससे आपकी आवाज़ सुरीली बने। पानी का सेवन, गले को साफ रखने के लिए नियमित रूप से पानी का सेवन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीकर खुद को हाइड्रेट रखें और प्यास बुझाएं। शहद का सेवन कीजिए। अक्सर आपने ये कहते हुए सुना होगा कि उसकी आवाज़ शहद की तरह मीठी है। दरअसल शहद का गले और आवाज़ से बहुत ही गहरा संबंध है। जो लोग गायकी के क्षेत्र में हैं, वो शहद को हमेशा अपने पास रखते हैं। इससे न केवल गले की सभी समस्याएं दूर होती हैं, बल्कि आवाज़ भी स्पष्ट और मोहक होती है। इसे गले में बलगम को ख़त्म करने के लिए शानदार प्राकृतिक दवाई माना जाता है। मीठी चीज़ों से दूरी बनाएं। अगर आप कहीं परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो ये ध्यान दें कि उससे ठीक पहले आप ज़्यादा रियाज न करें। इसके अलावा जिस चीज़ में ज़्यादा मीठा हो उसका सेवन कम कीजिए। परफॉर्म करने से पहले तो बिल्कुल ही मत कीजिए, ये आपके गले को ख़राब कर सकता है। गले की मसाज करें, बाहर से अपने गले की हल्की हल्की मसाज करें। इसके लिए गले पर हाथ की उंगलियों से नीचे ऊपर थोड़ा दबाव देकर मसलें। आप गुनगुने पानी से गरारे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है किस प्रकार आप अपनी आवाज़ को सुरीली आवाज़ बना सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।